हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास टूडेज़ टॉपिक इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जैसा कि आपको पता है हमारा पूरा पूरी जो दुनिया है हमारी दो चीज़ से क्लासिफाइड है एक है लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिविंग थिंग्स में मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है पेड़ है फिर मैंने नॉन लिविंग थिंग्स में मैंने एक झोपड़ी बना रखी है सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर लिविंग थिंग्स बोलते किसको हैं? कैसे लिविंग हम कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज लिविंग थिंग्स है तो सबसे पहले इसके कुछ टॉपिक्स होते हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको जानना जरूरी है तो लिविंग थिंग्स में सबसे पहले आता है लिविंग थिंग्स को सबसे पहले जरूरत होती है खाने की और पानी की नीट फूड एंड वाटर किसी भी लिविंग थिंग्स को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को खाने की और पानी की बहुत ज़रूरत होती है जिस तरह के से आपने देखा कि मैंने पेड़ बनाया है हाँ बेटा लिविंग और लिविंग थिंग्स में पेड़ भी लिविंग थिंग्स ही बोला जाता है क्यों क्योंकि इसको भी खाने के लिए खाने की और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ये खाना अपने पत्तों में बनाते हैं पानी अपनी जड़ों से लेते हैं और उसके बाद ही अपने पत्तों में खाना बनाते हैं और फिर ये इस तरीके से इनको इसी तरह से हम हम ह्यूमन बींग्स भी खाने की ज़रूरत होती है जहाँ हम अपने किचन में खाना बनाते हैं अलग अलग इन्ग्रेडियंट्स यूज़ करते हैं खाना बनाने में और उसके बाद हम खाना खाते हैं खाना खाने के बाद पानी की भी ज़रूरत होती है क्योंकि इस खाने को कौन पचाएगा पानी पचाएगा तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि लिविंग थिंग्स को खाने की और पानी की ज़रूरत होती है ये मैंने एक एप्पल बनाया जो फूड फूड के लिए होता है और यहां पे मैं एक पानी का ग्लास बनाती हूं जिसमें हमको किस चीज की जरूरत होती है हमें जरूरत होती है पानी की इसमें ग्लास ऑफ वाटर है ये जिसमें पानी है तो ये दो चीजों की जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रो किसी भी लिविंग थिंग्स को ग्रो कोई भी जो लिविंग थिंग्स होता है वो बढ़ता भी है जैसे एक चूजे का बच्चा जब वो बड़ा होता है तो वो हैन में बन जाता है बन जाता है उसी तरह से एक पपी जो है वो एक डॉग के रूप में आ जाता है और एक बेबी गर्ल या बेबी बॉय जो है या तो मैन या फिर वुमेन में बदल जाते हैं ये चीज़ें देखें जो जब भी कोई भी लिविंग थिंग्स होगा जैसे मैंने यहाँ पे एक सीड बनाया पहले ये एक सीड है सीड से एक पत्ता निकला और ये एक बेबी प्लांट बन गया ठीक है लेकिन जब ये बेबी प्लांट से ग्रो करेगा तो यह क्या बन जाएगा एक बड़ा पेड़ बन जाएगा ठीक है किस तरह से देखा हमने नीट फूड एंड वाटर खाने की और पानी की जरूरत होती है किसी भी लिविंग थिंग्स को उसी तरह से जब हम ग्रो करते हैं तो ह्यूमन बींग्स जब छोटा बच्चा होता है तो बड़ा एडल्ट बन जाता है उसी तरह से जब लिविंग थिंग्स हम पेड़ों को देखते हैं तो वो सीड से एक बेबी प्लांट जन्म लेता है और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है किसमें पेड़ में इसके बाद हम देखेंगे ब्रीथ इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है हमारा ब्रीद कोई भी लिविंग थिंग्स को सांस की जरूरत होती है यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो होता है उसको जीने के लिए सांस की ऑक्सीजन हो सांस की जरूरत होती है जिस तरह से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं उसी तरह से कोई भी लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल्स हो गए जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है ठीक है अब आएगा मूव जो भी लिविंग थिंग्स जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अलग अलग इसके भी प्रक्रिया होती है जैसे कुछ जानवर जो होते हैं वो जंप करते हैं जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो क्रॉल करते हैं उन जानवरों में जैसे स्नेक है वो स्नेक जो करता है क्या रेंगते हुए जाता है उसी तरह से जो अग, कोई भी एनिमल्स है वो जंप करता है हॉप करता है जैसे कोई बर्ड है वो फ्लाई करता है तो इस तरीके से क्या करता है वो अलग अलग तरीके से मूव करता है इसके बाद Feel. जी बेटा अब क्या है कि जो भी लिविंग थिंग्स है उसको महसूस होता है फीलिंग भी होती है जैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे एनिमल्स में भी फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं और हमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो इसी तरह से पेड़ पौधों में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके वो अलग अलग वो डायरेक्शन में मूव करते हैं जब सन या फिर हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो वो क्या करता है अपने आप को क्लोज कर लेता है इसी तरीके से अलग अलग जानवरों में अलग अलग हमारे ह्यूमन बींग्स में हमारे अंदर फीलिंग होती है फीलिंग इन द सेंस कि हमें फील होता है हम पेन करते हैं हम रोते हैं जब हमें दर्द होता है तो हमें महसूस होता है हम हंसते हैं अलग अलग तरीके से हम अपना इमोशंस क्रिएट करते हैं जानवरों में भी फीलिंग्स होती है और पेड़ पौधों में भी होती है कुछ पौ, पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो सन के डायरेक्शन जिधर सन जाता है उधर ही अपना फेस कर लेते हैं इसके बाद वो है रिप्रोडक्शन जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसा नया निर्माण करना रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक अपने जैसा उत्पन्न करना इसमें भी अलग अलग तरीके हैं कुछ जानवर जो होते हैं लेइंग एग्स देते हैं यानी कि अंडे देते हैं और अंडे से जानवर जो है जानवरों के बच्चे निकलते हैं उसी तरह से एक मम्मी क्या करती है एक नए बच्चे को जन्म देती है जो आ, बहुत सारे लैंड एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं डायरेक्ट बर्थ देते हैं बहुत सारे जानवर जो होते हैं अंडे देते हैं उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है एंड एट द लास्ट डाई बेटा जो भी लिविंग थिंग्स है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है एक दिन मर जाता है तो ये हमने देखा लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर पानी की और खाने की जरूरत होती है सांस लेते हैं कोई भी लिविंग थिंग्स है जैसे कि जानवर में कोई भी आ गया जैसे कोई फिश है फिश अपने गिल्स से सांस लेती है जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में टाइनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं डॉग काव इनके लंग्स होते हैं जिससे सांस लेते हैं हम हम ह्यूमन बींग्स भी सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू उसके बाद आया मूव हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं फील हमें महसूस होता है हम कहीं गिर जाते हैं हमें दुख होता है तो हम रोते हैं हमें कोई खुश करता है तो हम हंसते हैं रिप्रोडक्शन उसके बाद रिप्रोडक्शन आया रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसा दूसरा जन्म देना डाय मतलब एक दिन खत्म हो जाना ये आते हैं लिविंग थिंग्स में लेकिन बेटा नॉन लिविंग थिंग्स जस्ट अपोजिट है इसका कैसे नीड फूड एंड वाटर क्या आपने कभी किसी बुक को किसी घर को या फिर किसी पेंसिल को किसी चेयर को ये सारी चीजों को देखा है घूमते हुए खाते हुए फिर बात करते हुए या फिर अपने जैसा एक दूसरा निर्माण करते हुए और एक दिन खत्म होते हुए नहीं तो इसमें सबसे पहले हम हमारा जो दूसरा दुसर, जो टॉपिक है मतलब दूसरा जो लाइन है लि, नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में जिस तरह से खाने की और पानी पीने की जरूरत होती है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर आपने कभी देखा है किसी पेंसिल को किसी बुक को अपने वाटर बॉटल को पानी डालते हो लेकिन कभी आपने देखा है कि वाटर बॉटल पानी पी रहा है नहीं देखा ना आपने अपने घर में बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाते हुए देखा है लेकिन क्या वो यूटेंसिल्स आप खुद खाना खाते हुए देखा है कभी आपने ऐसा कभी सुना है कि मम्मी ने ऐसा कहा है कि आज खाना नहीं है बेटा आज तो बर्तन खुद खाना खा गए या आज यूटेंसिल्स जो ग्लास था खुद ही पानी पी लिया ऐसा नहीं देखा ना क्योंकि ऐसा नहीं होता जो नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जैसे कोई भी यूटेंसिल्स बुक्स कॉपीज या फिर आपकी पेंसिल्स वट यू सी अराउंड अस जो भी आप अपने आसपास देखते हो जो कुछ खा नहीं सकता जो कुछ पी नहीं सकता वो नॉन लिविंग थिंग्स आता है नेक्स्ट ग्रो डू नॉट ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स कभी बड़ा भी नहीं होता मेरे पास ये मार्कर है इस मार्कर को अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो ये कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता लेकिन लिविंग थिंग्स में क्या होता है जब एक छोटा बच्चा होता है वो बड़ा भी हो जाता है लेकिन अगर मैं इस मार्कर को बोलूं कि ये बड़ा हो जाएगा कुछ दिनों के बाद तो ये नहीं होगा आज से दस साल बाद भी अगर हम इस मार्कर को ऐसे एज इट इज़ रखते हैं तो ये दस साल बाद भी हमें इतना ही दिखेगा इसलिए ये मार्कर और जो भी चीज़ें जो बड़ी नहीं होती जो अपने आप से ग्रो नहीं होती वो क्या होती है नॉन लिविंग थिंग्स में आती है ब्रीद डू नॉट ब्रीद नॉन लिविंग थिंग्स सांस भी नहीं लेते नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद नॉन लिविंग थिंग्स सांस भी नहीं लेते आपने कहीं देखा है क्या कि पेन पेंसिल या बुक सांस ले रहे हैं नहीं ये सांस भी नहीं लेते मूव ये मूव भी नहीं करते एक कॉपी को आप जहां रखोगे वो एज इट इज पंद्रह बीस साल आप बड़े हो जाओगे बूढ़े हो जाओगे तो भी वो वहीं एज इट इज मिलेगा किसी चीज को हम धक्का देकर के अगर किसी आगे बढ़ाते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ जाती है लेकिन अपने आप से जैसे हम हमें कोई ज़रूरत नहीं कि कोई हमें फोर्स करेगा आगे बढ़ने के लिए हमारी इच्छा होती है तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी इच्छा होती है तो हम रन करते हैं हमारी इच्छा होती है तो हम घूमते हैं फिरते हैं इधर उधर जाते हैं लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको हमको फोर्स करना पड़ता है एक जगह जैसे अगर ये पेन है अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ फेंकूँगी तो ही वो वह वहाँ जाएगा अदरवाइज़ ये अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो ये डू नॉट मूव Things, जो है मूव नहीं करते इनको फीलिंग भी नहीं होती डू नॉट फील फील में हमने लिविंग थिंग्स में क्या पढ़ा था कि हमें महसूस होता है हम जब गिर जाते हैं चोट लगती है तो हमें दर्द होता है हमें जब हम किसी खुशी के माहौल में जाते हैं तो हम खुश होते हैं हम हमें आनंद प्राप्त होता है इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में इनको कोई एक्सप्रेशंस नहीं है इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है ये कभी भी दुखी या खुश नहीं होते तो नॉन लिविंग थिंग्स में आपने देखा क्या कि डू नॉट नीड फूड वाटर इसमें आपने देखा नीड वाटर फूड इसमें आपने देखा डू नॉट ग्रो डू नॉट ब्रीथ डू नॉट मूव डू नॉट फील इनको महसूस भी नहीं होता कोई भी इनको कोई भी इनकी फीलिंग्स नहीं होती अब एक डू नॉट रिप्रोड्यूज रिप्रोड्यूस मतलब होता है अपने जैसा दूसरा तैयार होना या फिर अपने जैसा दूसरा जन्म लेना हमने देखा लिविंग थिंग्स पेड़ पौधे लिविंग थिंग्स हैं तो वो क्या करते हैं सीड से सिडलिंग सिडलिंग से एक बेबी प्लांट बेबी प्लांट से एक ट्री में बदल जाता है कुत्ते का बच्चा छोटा पप्पी जो होता है बड़े कुत्ते में बदल जाता है एक मम्मी की छोटी सी बेटी इन्फेंट बेबी एक बड़े बच्चे में जन्म बड़ी हो जाती है और उसके बाद वो और एक वुमन बन जाती है जानवर के छोटे बच्चे बड़े होकर के जानवर की जैसा रूप ले लेते हैं लेकिन आप नॉन लिविंग थिंग्स में एक बुक को कभी भी दूसरे बुक को रिप्रोडक्ट रिप्रोड्यूस करते हुए नहीं देखा है आपने तो इसमें डू नॉट रिप्रोड्यूस होगा और लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ये कभी मरते भी नहीं है क्यों नहीं मरते क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कभी भी मरते हुए नहीं देख सकते क्योंकि लिविंग थिंग्स जो हैं ही नीड उनको फूड की जरूरत होती है वो बड़े होते हैं उनको सांस लेने की जरूरत होती है वो एक जगह से दूसरे तक मूव कर सकते हैं कैन फील कैन रिप्रोड्यूस एंड एट दट लास्ट दे डाई बट नॉन लिविंग थिंग्स को क्या है डो नॉट नीड फूड एंड वाटर डो नॉट ग्रो डो नॉट ब्री डो नॉट मूव डो नॉट फेल डो नॉट रिप्रोड्यूस एंड डो नॉट डाई वो कभी मरते भी नहीं हैं आज से सौ साल बाद पचास साल बाद सौ अरबों बरस बाद भी एक चीज़ जो है वैसे कि वैसे ही पड़ी रहेगी लेकिन वो मरेगी नहीं ठीक है तो आपने देखा आज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और होप आप बहुत इंजॉय भी कर रहे हो गए थैंक यू